अगला शब्द है जीलट, अ पर्सन हु इज फैनेटिकली कमिटेड टू अ कॉज, राइट। कट्टर अनुयायी जो होता है, जील शब्द का यहां पे इस्तेमाल हुआ है, तो एक जो बड़ा फैनेटिक है, तो एक ऐसा इंसान जो किसी कॉज के लिए बहुत ही फैनेटिकली कमिटेड, एकदम पागलपन है उसके मन में। द जीलट रिफ्यूज टू लिसन टू एनी अपोजिंग व्यू पॉइंट्स, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ हॉलमार्क ऑफ दीज काइंड्स ऑफ पीपल, वो किसी और की सुनते नहीं, मतलब वो जो उनके दिमाग में भरा हुआ है ना, वो बिल्कुल उसको मानते हैं कि वो ब्रह्म सत्य है, एंड दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू अदर्स पर्सपेक्टिव्स, दैट इज बैड, राइट। सो फैनेटिक एक्सट्रीमिस्ट एंथुजियास्ट वही है, मॉडरेट अपैथेटिक डिस्पैशनेट, ये इसके तरह से ऑपोजिट हो गया कि आपका मॉडरेट व्यू पॉइंट है, अपैथेटिक का तो मतलब इंडिफरेंट हो गया, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, और आप जानते हैं यहाँ पे पाथो जो है ये रूट वर्ड है, जिसका मतलब ही फीलिंग होता है, और लग गया वहां पे, यानी कोई फीलिंग ही नहीं है, आप इंडिफरेंट है, सीजन प्रूफ है, अच्छा हो बुरा हो। और एंटीपैथी के साथ अपैथी को कंफ्यूज कराया जाता है, एंटी अगेंस्ट होता है, ANTI, तो अगर कोई एंटीपैथेटिक है आपके लिए, इसका मतलब दुर्भावना है, और अपैथेटिक है मतलब भावना ही कोई नहीं है, करो तो भी सही, ना करो तो भी सही, अच्छा तो भी सही, बुरा तो भी सही, देयर एब्सोल्युटली सीजन प्रूफ। सो दैट्स द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अपैथी एंड एंटीपैथी। अगला वर्ड है ट्रूइज्म, अ स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू एंड ऑफर्स नो न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट। सो ट्रूइज्म लगा हुआ है, सत्यवाद, अ स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, और वहां पे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस इज अ वेल नोन ट्रूइज्म, राइट। सो ये कोई नई बताने वाली बात नहीं है, ये सभी को पता ही है। उसी को क्लीशे कहते हैं, प्लैटिट्यूड, कॉमन प्लेस रिमार्क, सेल्फ एविडेंस, यानी उसी को सेल्फ एविडेंट एडजेक्टिव हो गया, एक्सियोमेटिक भी कहते हैं, भाई खुद ही समझ आ रहा है, जबकि पैराडॉक्स, पैराडॉक्स एक तरह से ऑपोजिट हो गया, एब्सर्डिटी, बेतुकापन। अगला शब्द है सोलिसिज्म, A grammatical mistake or breach of good manners is called solecism, भाषा की त्रुटि। तो भाषा की त्रुटि तो है ही है, grammatical mistake, लेकिन अगर breach of good manners है, आपका conduct, mannerism proper नहीं है, तो उसके लिए भी solecism शब्द का इस्तेमाल होता है। The solecism in his speech embarrassed him. You must have come across the news, right? I think कल की बात है, Supreme Court के जज हमारे CJI, उन्होंने फटकार लगाई एक petitioner को, वो court में या बोल रहा था। मैं भी बड़ा दो चार होता हूँ, बट मुझे टालना पड़ता है, क्योंकि जिनजी की लैंग्वेज है, बट जिनजी का मतलब क्या? You have to work. There are certain decorum while you are emailing your CV. You have to be what? Cool. वो cool है. Yeah. तो वहाँ पे yes लिखिए. आपको एक formal structure के साथ जाना होता है, right? तो कहाँ पे बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो चीज़ का समझना बड़ा आवश्यक है. उन्होंने सीधा कहा कि you are not at the coffee shop. You are in a court, and there are certain decorum you are supposed to follow. So don't say yeah. Say yes. You have to be formal. तो भाषा की त्रुटि बड़ी important, और ये त्रुटि बड़ी खतरनाक होती है। आपको भी बताया कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जहां पे भी होती है, जिन भी एग्जाम्स में आपको ऐसे लिखाया जाता है, लेटर लिखाते हैं, प्रेसी राइटिंग कराते हैं, दैट सिंपली रिफ्लेक्ट्स योर नॉलेज बेस, एंड सेकंड थिंग, हाउ डू यू प्रेजेंट दैट नॉलेज, आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, व्हाट सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं है, वर्ड चॉइस आपकी किस तरह की है, बिकॉज अगर आप एक लेटर नहीं लिख सकते, क्यों लिखाते हैं उसमें भी आप भाषा की अशुद्धियां कर रहे हैं, ग्रामर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर आप काम के लायक तो नहीं है, तो वो चेक करते हैं इतना, क्योंकि डेफिनेटली यू आर नॉट supposed to write that kind of essay that has the gravity of UPSC. तो संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज एग्जाम वाले ऐसे की उम्मीद तो ये वन डे एग्जाम वाले बच्चों से नहीं करी जाती। हमारा कंसर्न यही होता है कि भाई तुम्हारा जो चेन ऑफ थॉट हो वो प्रॉपर हो, एक सीक्वेंस में अपनी बात को कह पाओ, और वहां पर ग्रामेटिकल अशुद्धियां मत करो, क्योंकि वो सीधे आंख में चुभती हैं, फिर वहां पर जो चेक कर रहा होता है उसका मूड खराब होता है, भाई हटाओ इसको। तो इन चीजों का ध्यान रखा करें आप लोग भी, और खासतौर से जो ये आज की सोशल मीडिया है ना, और ये मैसेज करने के जो तरीके हैं और जो शॉर्ट फॉर्म्स हम लेते आए, इसने ज्यादा करप्शन करा है, और आने वाले समय में और भी कर सकता है, बिकॉज अब तो AI है, अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना, तो धीरे धीरे पता नहीं AI जो है वो टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, और हमारा शायद इंटेलिजेंस कम होता चला जाए, क्योंकि जितना कम आप इस्तेमाल ऊपर वाले माले का करोगे, उतनी ताकत इसकी क्षीण होती चली जाएगी। तो इसका ध्यान जरूर रखा करें कि सोचें, लिखें, उसको चेक करें कि मेरे क्या हालात हैं। चले जी, सो एरर, ब्लंडर, फोपा, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, द प्रोनंसिएशन इज फोपा, दिस इज कॉल्ड फोपा मोमेंट, जब आप पब्लिकली कोई ब्लंडर कर दें, सो दैट इज कॉल्ड फोपा। एक्यूरेसी, करेक्शन, प्रॉपरनेस, ये इसके ऑपोजिट हो गए। पाइटी नाउन है, रिलीजियस डिवोशन और रेवरेंस, दैट इज कॉल्ड पाइटी, धार्मिकता। रिवियर, प्यारा शब्द है, ठीक है, रिवियर वर्ब है, NC लगा के नाउन बन गया, और इसीलिए अगर आप इररेवरेंट हैं किसी चीज के लिए, इसका मतलब क्या कि आप उसको ड्यू सम्मान जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे। Her piety was evident in the way she helped others selflessly, right? तो उसकी जो धार्मिकता है वो बिल्कुल evident है, साफ नजर आती है, जिस तरीके से वो दूसरों को selflessly help किया उसने। Devotion, faith, holiness, ये सारे के सारे pious शब्द जानते हैं आप। Impiety, irreverence, ungodliness, ये इसके opposite हो गए।